सिरे रुक कर लेते हैं यूपी विधानसभा, योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सामान्य से भी इसकी स्थिति काफी कम है, कमजोर है। अब तक पूरे किए गए हैं रियूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए भी 30,739 कार्यक्रम किए गए और हर जनपद में उन नदियों को जो कभी नदी के शकल में थी, बाद में एक समय के साथ वे समाप्त सी हो गई थी, उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्रवाई 9 नदियों को अब तक पुनर्जीवित किया गया है और लगभग 66 पे ये कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है जिन्हें हम पुनर्जीवित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भूगर्भीय जल के स्तर में सुधार लाने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं और इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। महोदय, प्रदेश ने विद्युत की आपूर्ति क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, 2017 के पहले और 2017 के बाद विद्युत की आपूर्ति पहले जिला मुख्यालयों पे और वह भी डीआईपी डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, यानी डिस्ट्रिक्ट भी डीआईपी हुआ करते थे, उन जिलों में बिजली मिलती थी, शेष जिले उससे वंचित रहते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में एक समान विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और इसमें जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति अप्रैल 2017 से सरकार लगातार कर रही है। मजरों की विद्युतीकरण की कार्रवाई, 1,21,000 से अधिक मजरों को विद्युतीकरण से युक्त किया गया इस दौरान किया गया। प्रदेश के अंदर 35/11 केवीए के 1,528 सब स्टेशन की स्थापना भी की गई। प्रदेश के अंदर 1,58,00,000 घरों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए गए और 3,99,800 से अधिक किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में भी और अन्य तमाम प्रकार के हुए थे, इसी से अनुमान लगा सकते हैं 15-16 में जो इनका पीक आवर होता था पावर का, पीक डिमांड जो होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वह 12,300 मेगावाट की होती थी और 2023 में जहां हम लोग हैं आज पीक में डिमांड है 28,284 मेगावाट। यानी यह दिखाती है कि पिछली सरकार के पास विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं था, व्यक्तिगत एजेंडा था, व्यक्तिगत एजेंडा परिवार का एजेंडा था। और आएंगे ना, बहुत बहुत सारी जगह आऊंगा मैं, उस पर भी अभी उस पर भी आ रहा हूं। महोदय, इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई में जो लॉस था उस लॉस को भी काफी कम किया गया, यानी 2017 के पहले ये लगभग 22% था और 2017 के पहले आज 2023 में जब हम लोग आए हैं ये लगभग 17% के आसपास है।